अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक अनोखी चीज़ बता रही हूँ। अनोखी इस वजह से क्योंकि मैंने ये पहली बार यूट्यूब में मेरे ख़ास में डाल रही हूँ। वैसे हम लोग तो बनाते ही रहते हैं। ये हैं आलू के सीख कबाब। ये मैंने आलू उबाल लिए थे, छीलने के बाद मैंने आलू उबाले, फिर मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था। मैंने इसको कद्दूकश किया तो इस तरह से कि पहली लेयर तो उसकी पक गई थी, अंदर वाला ज़रा सख्त था। ये देखिए मैं इस तरह ही कद्दूकश कर रही हूँ। अब ये है ज़रा से देखें, अंदर सख्त है, ये मैं हाथ लगा रही हूँ तो सख्त है, ऊपर वाली लेयर बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसको भी कद्दूकश कर लेती हूँ क्योंकि पूरा ये हो जाएगा। अब ये कद्दूकस हो गए पूरे, इसको मैंने छील के उबाला था। फिर मैं कह रही हूँ इसको मैंने छील के उबाला था क्योंकि छिलका पानी चूस लेता और नरम हो जाता है। ये हैं 1.5 किलो आलू हैं, ये 1.5 किलो आलू को मैंने छील के उबाल लिया था इस तरह। देखें ये कहने में अलग अलग सी, जैसे नहीं होता कहने में अदरक की तरह से कद्दूकश करने के बाद, और इतनी सख्ताई है कि मुझे हल्का सा जोर लगाना पड़ रहा है इसको मसलने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, और अब इसमें ये गया हरा धनिया। पुदीना कम लेते हैं, हरा धनिया ज़्यादा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुचली हुई हरी मिर्चों का 1 चम्मच भर के, यानी मैंने चॉप कर ली थी चॉपर की मशीन में, ये 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल दें। यह है चावल का आटा, ये मैं डालूँगी इसमें 4 चम्मचे भर भर के। आप चाहें तो ज़रा से कम भी कर सकते हैं, और इतना भी रख सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि आलू इतने सख्त हैं बहेंगे नहीं। ये है एक पैकेट है इसका सीख कबाब पैकेट, इसमें आप कम भी कर सकते हैं। मैंने इसमें से मैंने 2 चम्मचे निकाल लिए थे और बाकी डाल दिया। और आप जितने आलू हों उसके हिसाब से, आधा किलो आलू हो तो 2 चम्मचे डाल दें, 1 किलो हो तो ज़रा सा और कम कर लें। मेरे 1.5 किलो आलू थे। अब मैं इसमें एक छोटा नींबू है वो डाल रही हूँ, पूरा छोटा नींबू एक है वो मैं डाल रही हूँ। अब इसको आप मिला लें। अच्छी तरह इसको मिला लें। अब मैं इसको साइड में रखती हूँ क्योंकि अब ये है, मैंने ये है 1/2 चम्मच गरम मसाले का, ज़ाफ़रानी गरम मसाला है। इसको भी मिला लेते हैं हम लोग। ये मिल गया। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ क्योंकि अब मुझे चटनी का बताना है कि फिर ही मैं बाद में मिलाऊँगी। अभी मैं चटनी का आपको बता देती हूँ। यह एक कैरी थी, इसको मैंने आधी काट लिया, आधी काट के मैंने ये पीस कर लिए इसके। और 1 चम्मच कुटी मिर्चें, 1/2 चम्मच नमक, और ये 5 जवे हैं लहसुन के, और ये हैं 1 चम्मच ज़ीरा, और ये 6-7 हरी मिर्चें हैं। बस ये कुल 5 चीज़ें हैं, और ये थोड़ा सा पुदीना, और पुदीने से ज़रा ज़्यादा हरा धनिया, और हरा धनिया भी डंडियों के साथ है ताकि चटनी गाढ़ी गाढ़ी बने धनिया की वजह से। अब मैं ये पहले ये पीस लूँगी, फिर मैं ये सब चीज़ें मैं ब्लेंडर में डाल के चटनी मैं पीस लेती हूँ। पीस के फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पीस ले लिया। अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से मैरिनेट कर वो मसल लेती हूँ।
आपको, अब मुझे नहीं पता कितने के वो होंगे, कहने में कितने आलू होंगे। पहले आटा, चावल का आटा कम डालें, फिर देखें ज़रा सा कबाब नहीं बन रहा या पिघल घी में डाल के वो हो रहा है, बिखर गया है, तो ज़रा सा आटा और डाल लें। और आपको आलू बहुत ज़्यादा सख्त लगे तो एक पानी का छींटा मार के भी ये मसल सकते हैं। पानी का छींटा, मैं भी इसमें पानी का छींटा मारूंगी क्योंकि आलू ज़रा सख्त हैं। मैं हल्का हल्का पानी का छींटा मार के, ताकि ये अच्छी तरह से जब वो गल जाए, जब मैं पकाऊँ तो। अगर मैं पहले से ज़्यादा उबाल लेती तो ये इतनी सख्ताई ना आती, कबाब ना बनते, बल्कि ऐसे नरम नरम से हो जाते अजीब से। पानी का छींटा भी इतना मारें कि आपको जैसे अंदाज़ा हो जाए, और एक कबाब बना के तल के देख लें। अब ये मैंने कबाब बना लिए, बना के मैं तल रही हूँ, ये सामने रखिए तसले के अंदर। हल्का हल्का तेल लगा के मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए, और देखें इतनी दरमियानी आँच में मैं तल रही हूँ, ताकि अंदर से जो कच्चा पन है कबाबों का वो ख़त्म हो जाए। तेज़ आँच में ना तलें, क्योंकि इंशाल्लाह ये टूटे, मेरे भी नहीं टूटा, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट कबाब बने कि बिल्कुल जिस तरह भी घुमाओ घूम रहे हैं। बहुत सुराख सुराख अच्छे शैली फ्राई, मतलब ज़्यादा शैली फ्राई से भी ज़्यादा ही है, बहुत ज़बरदस्त कबाब बने। मैंने इसको हल्का हल्का हाथ में घी लगा लगा के पहले सारे कबाब तैयार कर लिए, और फिर फटाफट मैंने फ्राई पैन में डाल के फटाफट वो मतलब पक गए। बहुत मज़े के बने, बहुत लजीज बने, लंच में भी काम आ सकते हैं, बच्चों के स्कूल जाने के लंच बॉक्स में भी काम आ सकते हैं, और रमज़ान में आप ऐसे खाएं, जब भी बहुत मज़े के लगेंगे। इसकी हरी चटनी बन गई, कितनी ज़बरदस्त हरी चटनी बनी है, कलर भी इसका हरा ही है, और ये दही का रायता है बराबर में, ये दही का रायता है, और ये चटनी है, बहुत ज़बरदस्त एक यूनिक रेसिपी है, आप खाएं और ज़रूर ट्राई करें। यूदी भाई अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ रबड़ी खीर की रेसिपी, क्योंकि दोनों रेसिपियाँ छोटी छोटी थी, तो फिर मैंने कहा दोनों के एक साथ ही हम मतलब हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, इस वजह से वन बाई वन एकदम आ गई। ये है 2 किलो दूध है, इसको अच्छा गाढ़ा दूध कर लिया था मैंने, जोश कर लिया था कि रात को जैसे मैंने जोश किया, तो दूसरे दिन मैंने इसको पकाने खीर खड़ी हुई, तो इस वजह मलाई भी इसमें बहुत ज़्यादा है और दूध भी काफ़ी गाढ़ा है। अच्छा 2 किलो दूध है, और इसमें मैं भी बताती हूँ इसमें क्या क्या डालना है। ये मैंने लिए थे 4 चमचे चावलों के, इसको मैंने 1 घंटे भिगो दिया, फिर मैंने इसको चॉपर में पीस लिया। 1 किलो में 2 चमचे और 2 किलो में 4 चमचे, बिल्कुल उसकी तरह बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, मैं ये बताती हूँ, देखें कितना धर धर ऐसा ये पीसा है, ये देखें मैं ये बता रही थी, दाना दाना है इसके अंदर चावलों में, ये दाना दाना है। 1 किलो में 2 चमचे और 2 किलो में 4 चमचे चावल के भिगो दें, फिर इसको पीस लें। अब ये सूजी है, 4 चमचे ये हैं, 1 किलो में 2 चमचे और 2 किलो में 4 चमचे सूजी के, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। अब ये हल्की आंचे पकती रहेगी, जब तक आप महसूस ना करें कि चावल भी गल गए, सूजी भी गल गई और दूध गाढ़ा भी हो गया, जब तक ये पकती रहेगी। फिर भी इतना लॉन्ग टाइम नहीं पकेगी, 15 मिनट तक पकेगी, 10 से 15 मिनट तक। ये चीनी है और ये कंडेंस्ड मिल्क का एक पूरा डिब्बा है, दरमियानी साइज़ का, और ये हैं स्लाइस हैं, 4 स्लाइस हैं, इसके मैंने किनारे काट लिए हैं, ये किनारे हैं और सिर्फ स्लाइस हैं ये चारों। और ये हैं पिस्ते, बादाम, बादाम नज़र नहीं आ रहा है मगर मैं
अभी निकाल के लाती हूँ, बादाम भूल गई लाना। बस ये चार पांच चीज़ें हैं और ये फटाफट यही पक जाएगी। जब तक ये गाढ़ी गाढ़ी सी ना हो जाए, महसूस करें जब ये गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी तो फिर ये स्लाइस हम डाल देंगे। हल्की आंच रखेंगे, नहीं तो ये नीचे से ज़्यादा लग जाएगी। लगेगी तो ज़रूर, मगर हल्की हल्की पिंक पिंक कलर की लगेगी, जिससे मज़ा ही कुछ और हो जाता है खीर का, तो बहुत मज़े की हो जाती है, लगना भी चाहिए। और ये देखिए, ये भी ज़रा मैं चमचा चला रही ताकि नीचे से लगे नहीं। बस मैं यही बात है, इसमें बस खड़े रहो, चमचा चलाते रहो, या थोड़ी थोड़ी देर बाद आगे चमचा चलाते रहो, नहीं तो लगने का खतरा हो जाता है। ये मैंने इसमें चार छोटी इलायची डाली थी, जो ये नज़र आ रही है, ये चार छोटी इलायची डाली थी। इलायची डाल दें या पाउडर डाल दें, इलायची पाउडर बना के डाल दें या इलायची डाल दें, फिर बाद में ये इलायची को निकाल दें। देख, हम गाढ़ी होना शुरू हो गई है, कितनी ज़बरदस्त गाढ़े गाढ़े जैसी हो रही है, बहुत मज़े की बनी हुई, बहुत लजीज और बहुत मज़े की। फ्रिज में रख के ठंडी ठंडी करके खाएं तो बस। अब मैं ये सलाई डाल रही हूँ, इसके तोड़ तोड़ के, मैं स्लाइस डालने के बाद मैं ये करूँगी कि मैं कंडेंस्ड मिल्क भी डाल दूँगी और ज़रा सा देख लूँगी चखने के बाद चीनी मुझे कितनी डालनी है, तो फिर थोड़ी मैं खासे थोड़ी चीनी डालेगी कि वो जाएगी, क्योंकि इसका डिब्बा पूरा है ना दूध का, तो वह थोड़ी सी चीनी और वो ये मिल्क डाल दूँगी और पिस्ते बादाम डाल दूँगी, तैयार हो गए। इतने ये दूध मैंने एक पीस बचा लिया है कि ये ऐसा ना हो कि ज़्यादा पीस हो जाए तो फिर वो गुदड़ा गुदड़ा सा बुरा सा लगता है एकदम, जैसे अजीब सा। मैं भी जोश आ जाए तो देखती हूँ तो दूसरा पीस डाल दूँगी, तो मैं डाल दूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। हल्की आंच कर दी मैंने, ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि गाढ़ी होती जा रही है, गाढ़ी इतनी गाढ़ी भी नहीं चाहिए और इतनी पतली भी नहीं चाहिए। अभी मेरे हाथ में स्लाइस है, अभी मैं ज़रा देख रही हूँ कि क्या करना चाहिए। एक आध जोश आ जाए ना इसके अंदर, फिर अंदाज़ा हो जाएगा फौरन की क्या है। अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई। मैंने वो पीस भी डाल दिया था, अब देखें इतनी कितनी, और दूध भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी, पूरा डिब्बा गया कंडेंस्ड मिल्क का, पूरा डिब्बा दरमियानी साइज़ का, और चीनी का ये जो चमचा है ना, ये जिससे मैं चला रही हूँ, ये एक चमचा चीनी का गया बस। मज़ा ही बहुत अच्छा है, मिठास ही बिल्कुल सही है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद पूरी डिश भर गई। ये देखिए हल्का हल्का नीचे में गई थी ना, लगना भी चाहिए, हल्का हल्का ये नीचे लग गई थी, इससे ज़रा खीर का मज़ा। और ये हमारे, हम तो हल्की आंच पे रखते ही, तो ये तो बहुत जल्दी बन गई, और जब हम खीर बनाते हैं तो वो तो ढाई तीन घंटे में खीर बनती है, वो तो साबुत चावल डालते हैं उसके अंदर तो हम लोग। अब ये बादाम पिस्ते में डाल रही हूँ, ये खा के देखें, बनाएं, हर तरह से बन रही है रबड़ी खीर, अपने अपने तरीक़े हैं सबके, हम लोगों का ये वाला तरीक़ा है। और उसको ठंडा करें, फ्रिज में रखें और ठंडा करके ज़बरदस्त, इंशाल्लाह किसी मीठी चीज़ के साथ हाजिर होंगी या कोई और रेसिपी बनाऊंगी तो उसके साथ। ये मैं बता रही हूँ कि ये मैंने 2 किलो दूध लिया और क्या नाम है, एक डिब्बा कंडेंस्ड मिल्क डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, चार स्लाइस डाले डबल रोटी के, 2 किलो दूध था और चार छोटी इलायची मैंने निकाल दी उसके अंदर से, और क्या नाम है, ये पकाई फिर मैंने हल्की आँच पे, मतलब मेरे ख़ास से पूरे पकाने में इसके आधे से पौन घंटा तो लगा हल्की आँच पे।
चैन लागू।